बच्चों आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए एक तारापुर कमेटी बनाई गई थी कि क्या इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रीकंडीशंस होंगी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स एनी इंडियन और इंडियन कंपनी इज इंटाइटल्ड टू मूव फ्रीली फ्रॉम रूपी टू अनदर करेंसी टू कन्वर्ट इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स इंटू फॉरन फाइनेंशियल एसेट्स एंड बैक एट एन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द फॉरन एक्सचेंज मार्केट एंड नॉट बाय RBI। तारापुर कमेटी क्या कहती है, कोई भी इंडियन या इंडियन कंपनी इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स को फॉरन फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए फ्री है। किस रेट पर, मार्केट रेट पर, जो रेट मार्केट के द्वारा डिसाइड किया गया है। तो इस तरह से कोई भी इंडियन या इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री के शेयर्स फॉरेन कंट्री की करेंसी में परचेज करना चाहती है तो वो मतलब जितना चाहे परचेज कर सकती है, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें भी इंडियन जो हैं अगर इंडियन कंपनी के जो है शेयर परचेज करना चाहते हैं जैसे टाटा एंड रिलायंस के, तो वो क्या करेंगे, मतलब इन कंपनीज के जो शेयर्स हैं इंडियन कंपनी के शेयर्स रुपीस में परचेज कर लेंगे। और इसी तरह से अगर मतलब इंडियंस जो हैं US की जो कंपनी है मान लो अमेजोन उसके शेयर्स परचेज करना चाहती है, तो इंडियंस जो है US की जो कंपनी है अमेजोन उसके जो शेयर्स हैं वो रुपी में परचेज नहीं कर सकती क्योंकि US की करेंसी जो है डॉलर है। तो इस तरह से इंडियन क्या करेगा, अगर वो US की जो कंपनी अमेजोन की अगर वो शेयर परचेज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा। तो इस तरह से वो अमेजोन के जो शेयर्स हैं वो तभी परचेज कर पाएगा जब जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की जो फैसिलिटी होगी वो उसको अवेलेबल होगी। तो इस तरह से अगर इंडियन US की कंपनी अमेजोन के जो शेयर्स हैं वो डॉलर में परचेज कर लेता है, जितना चाहे वो अमेजोन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता है, तो इसका मतलब होगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि उसने क्या किया, रूपी को किस में कन्वर्ट कराया, डॉलर में कन्वर्ट कराया, किस लिए, मतलब अमेजोन के शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो इस तरह से अगर वो जितना चाहे उतने शेयर्स अमेजोन कंपनी के जो है परचेज कर लेता है मतलब तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो इस तरह से वो क्या करेगा, मतलब रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा, मतलब किसके लिए, फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करने के लिए। फिर क्या करेगा, वो अगर चाहता है तो वो क्या करेगा, फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को वहां से सेल करेगा और यहां पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। किस रेट पर, मार्केट रेट पर। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। बट ये क्या कहता है, अभी भी जो है इंडिया के अंदर जो है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जो इंडियंस हैं मतलब अगर वो मतलब शेयर परचेज करना चाहते हैं अब्रॉड, तो अंडर फीमा RBI के द्वारा जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं भी। एक जो इंडिविजुअल है वो मतलब डॉलर मतलब 75,000 से ज़्यादा जो है फॉरेन कंट्री में पर ईयर जो है शेयर परचेज नहीं कर सकता, अगर मैक्सिमम कर सकता है तो डॉलर 75,000 तक कर सकता है। इसके अलावा जो इंडियन रेजिडेंट है उसके लिए जो लिमिट डिसाइड की गई है मतलब फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर्स परचेज करने के लिए, वो अंडर स्कीम लिबरलाइज्ड रेमिटेशन स्कीम 2004 में जो लिमिट डिसाइड की गई है वो की गई है 2.5 लाख मतलब डॉलर भी। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट LRS स्कीम 2004 के अंडर अब्रॉड जो है शेयर्स परचेज करना चाहता है तो वो सिर्फ 2.5 लाख डॉलर तक के शेयर्स जो है परचेज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, इंडियंस के लिए जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अभी भी जो है इंडिया में जो है मतलब अब्रॉड के जो शेयर्स हैं वो परचेज करने के लिए फ्रीडम नहीं है, क्योंकि शेयर परचेज करने के लिए भी RBI के द्वारा अंडर फीमा जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे मतलब 2.5 लाख से 2.5 लाख डॉलर से ज़्यादा जो है पर ईयर जो है इंडियन रेजिडेंट मतलब फॉरेन कंट्री के जो शेयर है परचेज नहीं कर सकता। तो इस तरह से आज भी जो है इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसी तरह से मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी मतलब लिमिट्स लगी हुई हैं, इसके अलावा जो FDI है उस पर भी मतलब लिमिट्स लगी हुई हैं। जैसे मतलब देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, लोन्स आते हैं, बैंकिंग कैपिटल आती है। तो अगर FDI की बात करें तो FDI पर भी मतलब कुछ सेक्टर्स में जो है लिमिट है, जैसे प्रिंट मीडिया में 26% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती फॉरेन कंपनी की। इसी तरह से मतलब जो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है उसमें मतलब
मैक्सिमम जो है 51% है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जैसे माइनिंग, इसमें 100% जो एफडीआई वो अलाउड है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें एफडीआई जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जैसे लॉटरी बिजनेस हो गया। इसी तरह से लोन के केस में देखें तो जो एक्सटर्नल जो है कमर्शियल बोरोइंग्स जो हैं उनकी जो है लिमिट डिसाइड की हुई है। अभी अभी अगर कोई इंडिया की एंटिटी बाहर फॉरेन कंट्री की बैंक से अगर लोन लेना चाहती है तो वो मैक्सिमम जो है पर ईयर $750 मिलियन तक ले सकती है। अगर इससे ज़्यादा वो पर ईयर लोन देगी तो उसको आरबीआई की जो परमिशन है उसकी ज़रूरत होगी। और वो लोन लो जो लोन का टाइम पीरियड होगा, मेच्योरिटी जो पीरियड होगा वो 3 ईयर्स का होगा। तो इस तरह से आरबीआई के द्वारा अंडर फिम्मा जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसी वजह से जो है इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट का जो कन्वर्टिबिलिटी है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। तो इंडिया में जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए कमेटी मतलब गठित की गई थी 1997 में। तो ये वाली जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो आरबीआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई मिस्टर मतलब SS तारापुर। इसी वजह से जो इस कमेटी का जो नाम दिया गया वो तारापुर कमेटी रखा गया। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1997 में। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसमें ये कहा गया था भी अगर आप इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लेकर आना चाहते हो तो आप एक साथ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को नहीं लेकर कराओगे, आपको इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जो है फेसेस में लेकर आनी होगी। मतलब फर्स्ट फेस जो होगा 1997 से लेकर 98 का होगा, सेकंड जो होगा 98-99 होगा, और थर्ड जो होगा 99-2000 होगा। तो इस तरह से अगर आप इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लेकर आओगे तो आप फेसेस में लेकर आओगे। तो इस तरह से फर्स्ट जो तारापुर कमेटी थी उसके द्वारा जो परी कंडीशंस रखी गई थी भी अगर इंडिया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लाकर लेकर आना चाहती हो तो उसको ये वाली जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी होंगी। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो ये थी भी इंडिया का जो फिजिकल जो डेफिशिएट है उसको 2000 तक 3.5% लेकर आना होगा। इसी तरह से इंडिया को जो है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्रिएट करना होगा ताकि जो गवर्नमेंट का डेट बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। थर्ड था जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का वो विद इन 3 ईयर्स जो है 3 से 5% के बीच में लाना होगा। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर जो बैंकिंग है उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिड्यूस करना होगा 13.7% से 5% तक अप टू 2000। इसके अलावा एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसीज को मतलब डिजाइन करना होगा जिससे क्या हो मतलब इंडिया की जो करंट रिसीट्स हैं उनको इंक्रीज किया जा सके, और जो डेट सर्विसिंग जो रेशो है वो 25% से 20% तक लाया जा सके। तो अगर इंडिया इन प्री कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो इंडिया के अंदर जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ला सकती है। बट इंडिया के द्वारा इसमें से कुछ ही कंडीशंस को फुलफिल किया गया तो जिसकी वजह से इंडिया में जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं आ सकी। इसके बाद जो सेकंड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए वो की गई 2006 में। तो इसमें इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1 सितंबर 2006 को। तो इस कमेटी में भी बोला गया भी अगर इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लाओ तो आपको फेस इसमें लेकर आनी होगी। फर्स्ट फेस जो होगा वो होगा 2006 से लेकर 7 तक का, सेकेंड फेस होगा 7 से 9, एंड थर्ड फेस होगा 2011। और इस कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई थी वो ये थी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की जो लिमिट रखी गई है उस लिमिट को आपको रेस करना होगा, मतलब लिमिट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो NRI हैं उनको अलाउ करना होगा इंडिया की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा NRI की जो डिपॉजिट है तो NRI को इस डिपॉजिट पर जो है टैक्स बेनिफिट देना होगा। इसके अलावा जो बैंकिंग रेगुलेशन है इंडिया का उसको इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको रोकना होगा, उनको प्रोहिबिट करना होगा। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं भी बाहर की कंट्री के जो फार्म्स होती हैं या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना KYC बताए बिना वो क्या करते हैं इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू। तो इससे जो है सेबी का जो है इन मतलब फंड्स पर जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि सेबी को ये नहीं पता मतलब इस तरह से कंट्रोल नहीं होता कि किस तरह के जो फंड्स हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में
पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू आती है तो उसको प्रोहिबिट करना होगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है उनको शेयर मार्केट से जो है एग्जिट करना होगा। तो अगर आप इन मतलब रिकमेंडेशंस को फुलफिल करते हो तो इंडिया के अंदर जो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लाई जा सकती है। तो इस तरह से इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए 2 कमेटीज जो थी गठित की गई थी, एक 1997 में और दूसरी 2006 में, बट इंडिया के अंदर जो है आज भी जो है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं आ सकी। तो आज हमने पढ़ा भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होती क्या है और मतलब कौन कौन सी जो कमेटीज थी इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए गठित की गई और इनकी जो थी मतलब क्या क्या रिकमेंडेशंस थी और आज जो है इंडिया में किस तरह की कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है।